जहां पूरे देश में इस समय लोकसभा चुनाव अपने पूरे जोरों शोरों से चल रहा है, वहीं लोकसभा चुनाव में उतारे गए प्रत्याशियों का विरोध भी शुरू हो गया है। ताजा मामला कौशाम्बी का है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार बनाए गिरीश पासी का विरोध उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना शुरू कर दिया है। 15 दिन पूर्व पार्टी ने एक प्रत्याशी घोषित किया यहाँ से जिला कांग्रेस कमेटी के कौशाम्बी को, कि उस पर कांग्रेस कमेटी कौशाम्बी ने एक पैनल बना के भेजा था 5 से 6 प्रत्याशियों का। कौशाम्बी सबसे 50 नंबर लोकसभा सीट था। पार्टी ने जब बाजीराव खेड़े जी अभी लगभग 10 दिन पूर्व हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के साथ प्रभारी हैं, तो वो आए थे और उन्हीं के सामने जो है यहाँ गिरीश पासी जी ने जो है सदस्यता ग्रहण किया था और उनको लगभग 3-4 दिन बाद उनको प्रत्याशी घोषित कर दिया गया। तो हम प्रत्याशी के विरोध में हम लोगों ने इसलिए इस आशय के साथ बैठक किया आज यहाँ पर एक विरोध शुरू की। ये बैठक हुई कि इस पर एक तो प्रत्याशी की आपराधिक छवि, प्रत्याशी के क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्रिमिनल हिस्ट्री है उनकी, अपर क्लास में भारी आक्रोश है, अपर क्लास होते हैं कोई भाव तैयार नहीं। दूसरी बात ये आई कि पार्टी कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों को अभी 15 दिन से अभी उन्हें पूछा नहीं गया, कहीं पर पार्टी संगठन का और पार्टी के प्रत्याशी के बीच में बिल्कुल सामंजस्य का अभाव है, संवादहीनता है और कहीं भी कोऑर्डिनेशन नहीं है। प्रत्याशी ने अभी तक संगठन को कहीं तवज्जो नहीं दिया, ना तो प्रत्याशी के पास अभी तक कोई चुनावी संसाधन मुहैया कराया गया है, ना तो प्रत्याशी ने झंडे और बैनर मुहैया कराए हैं, ना तो प्रत्याशी ने गाँव में अभी जनसंपर्क पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क शुरू किया है। इस बात को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में एक निराशा और एक असंतोष था। उस बात को लेकर के हमने जिला कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेंद्र त्रिपाठी जी के नेतृत्व में यहाँ पर बैठक किया। इस पर सारे संबंधित पीसीसी सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष और फ्रंटल संगठनों के सारे हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं, उन सब ने शिरकत करके एक आम सहमति से, सर्वसम्मति से इस बात का निर्णय किया गया कि प्रत्याशी, अगर प्रत्याशी पार्टी हाईकमान ने जो घोषित प्रत्याशी दिया है, अगर घोषित प्रत्याशी के निर्णय पर पुनर्विचार नहीं किया जाता है, प्रत्याशी के उस पर अगर सेंट्रल ऑब्जर्वर भेज करके पार्टी कार्यकर्ताओं की राय और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाओं को अगर नहीं समझा गया, तो पार्टी कार्यकर्ता इस चुनाव में पार्टी का तो विरोध नहीं करेंगे, पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन पार्टी के प्रत्याशी का जमकर विरोध करेंगे। आपका नाम? जी, सत्येंद्र प्रताप सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता।